हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और टॉपिक। थंबनेल में आपने देखा होगा, आज के टॉपिक है लव लाइफ में आपके आगे क्या होने वाला है। आने वाले 7 डेज में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या डेस्टिनी आपकी तरफ लेकर आने वाली है, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं, वो चेंजेस पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सब मैं इस रीडिंग में देखने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। आने वाले 7 डेज आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में उनके पार्टनर्स के साथ आने वाले 7 डेज, आने वाले 7 दिनों में क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। मैरिड कपल्स हों, अनमैरिड कपल्स हों, दोनों के लिए है ये रीडिंग। कई लोग कमेंट में पूछते हैं इसलिए मैं रीडिंग में ही बता दे रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उन्हें रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना हो उन्हें जाने दीजिए, ज़बरदस्ती अपने लाइफ में उसे फिट ना करिए। लेट्स स्टार्ट। करंट एनर्जी, सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या होने वाला है आने वाले 7 दिन में, वो क्या फील करने वाले हैं। आने वाले 7 दिन एट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द डेविल, टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। करंट एनर्जी में डेथ का कार्ड क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी में डेथ का कार्ड क्यों आया है। ओके, इनके लाइफ में जो भी चॉइसेस हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, उन्हें ख़त्म करेंगे और आपकी तरफ रिटर्न आएंगे, इसलिए आया है डेथ का कार्ड। इससे मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि मुझे दिखता रहे। मैं एक और कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये थर्ड पार्टी कौन है, टू ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके ओके, जिस सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं वहाँ पे ये डिसीजन लेने वाले हैं। थर्ड पार्टी कौन है, टू ऑफ वैंड्स, ये लीगली निकल सकते हैं, मैनिपुलेशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई इन्हें भड़का रहा है, कोई इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ केयरफ्री होके बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है आने वाले 7 दिनों के लिए। तो ये भी मैं यहाँ रख रही हूँ। फाइन, बस बाकी कार्ड्स तो क्लियर हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आने वाले 7 दिनों में आपके पर्सन की क्या एनर्जी होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे मैं साइंस बता दूँ। साइंस यहाँ पे हैं कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। बहुत स्ट्रांग है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। फिर हमारे पास है यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। सभी साइंस हैं यहाँ पे, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ऑलरेडी हैं। इस सिचुएशन को, जो भी इनके लाइफ में ऑप्शंस हैं, जो भी इनके लाइफ में चॉइसेस हैं, इस सिचुएशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म हो सकती है, या तो लीगली इसे ख़त्म करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर आने का डिसीजन ले सकते हैं, या तो आपकी तरफ कोर्ट मैरिज का डिसीजन ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कि इन्वॉल्व्ड हैं इस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, भड़का रहे हैं, या तो आपकी फैमिली आपको भड़का रही है या तो इनकी फैमिली इनको भड़का रही है। इन्वॉल्वमेंट काफ़ी लोगों का है, लेकिन आपके पर्सन केयरफ्री होकर आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इमोशंस आने वाले 7 दिनों में आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है,
यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है, आपके पर्सन मेल हो फीमेल हो, आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। इमोशंस बहुत फ्लो होने वाले हैं। वैसे भी ये जो न्यू मून का टाइम आ रहा है, यहाँ पर कल न्यू मून है, फुल मून है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो फुल मून में इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि जब इनके इमोशंस ओवरफ्लो होंगे तो ये आपकी तरफ कुछ लोगों के पर्सन छोटा जेस्चर कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के पर्सन बहुत बड़ा जेस्चर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। कुछ लोगों के पर्सन मिलने भी आ सकते हैं या मिलने भी बुला सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक टॉक भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी दिखा सकते हैं, फिज़िकल यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में ये क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आने वाले हैं इन 7 दिनों में। दूसरा, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चेज़ करते हो इन्हें, तो आपको चेज़ नहीं करना है, बिल्कुल इन्हें छोड़ दीजिए इस टाइम, बिल्कुल भी चेज़ मत करिए। आपके पर्सन को स्लीपलेस नाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इस वजह से इन्हें गुस्सा भी आ रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ पास्ट में कोई गलती की है या पास्ट में अगर इन्होंने आपको डांटा है या गुस्सा किया है या ब्लॉक किया है या हर्ट किया है या चीट किया है, तो इनके पछतावा भी हो रहा है। ये अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये सब चल रहा है इनके दिल दिमाग में फॉर आने वाले 7 डेज। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले 7 डेज से रेजोनेट करेगी। अब हम देखते हैं आपको लेकर क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। लेट्स चेक मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर आने वाले 7 दिनों में क्या सोचने वाले हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, क्या चलेगा, प्लीज़ गाइड करें। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट 7 डेज। लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या सोचेंगे इनके पर्सन। द फूल बॉटम ऑफ द डेक, स्पाई बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आपकी तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, भले उसके लिए इनको कुछ ख़त्म करना हो। स्टैंड लेंगे आपके लिए, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आपको एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं, वापस आएंगे, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो बॉटम से जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो ये बता रहे हैं कि केयर फ्री होकर आपकी तरफ आपके पर्सन बढ़ना चाहते हैं, जैसा कि हमने देखा उनकी एनर्जी में, द फूल का कार्ड था। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत हाई होंगे, ये बहुत ज़्यादा अचानक से मिस करने लगेंगे, चाहे कितने भी वर्कोलिक हों इनका मन ही नहीं लगेगा काम में। तो ये आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ऑनलाइन हो नहीं हो, सोशल मीडिया पे हो, एक्टिवेट आपने कर रखा है तो आप एक्टिव हो कि नहीं हो। ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, और ये आपकी तरफ वापस आएंगे। थर्ड पार्टी अगर कोई है तो वहाँ पे टावर मोमेंट आ सकता है। 7 ऑफ वैंड्स, ये स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए आने वाले 7 डेज में। और देखते हैं हमारे पास क्या कार्ड्स आए हैं आपको लेकर। नाइन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको खोने से डर लगेगा, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, मतलब इस फुल मून में सुपर मून में ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, इन्हें लगेगा कि अब आपको खो ना दें ये। 2 ऑफ कप्स, मैंने बोला ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, तो इनकी फीलिंग्स जगेंगी, तो ये आपको याद करेंगे, याद करेंगे तो ये आपको मैसेज करेंगे। लव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ओ माई गॉड, द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स बोथ कार्ड्स आपके तरफ आए हैं, तो ये इनकी फीलिंग्स है। ये 2 कार्ड अकेले ही बहुत बताने के लिए काफ़ी हैं। तो ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन आने वाले 7 डेज में बहुत बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं। म्यूचुअल लव रहेगा, जितना वो आपको मिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इधर मिरर कर सकते हैं, आप उन्हें मिस कर सकते हैं, लेकिन आपको इमोशनल नहीं होना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। जब वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे तो वो खुद आपको सामने से कॉल मैसेज करेंगे। वाह, कमिटमेंट का भी कार्ड आया डियर, क्या बात है, शादी का कमिटमेंट भी आपको मिल सकता है। 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप वाले बहुत ज़्यादा हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं।
द एम्परर, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले 7 डेज़ में इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है अगर इन्होंने आपके साथ बैड बिहेवियर किया है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो ये बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। ये इनसिक्योरिटी से बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, आपको खोने से डरते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। ये 3 कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी तरफ आने वाले 7 डेज़ में बहुत सारी गुड न्यूज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, एक तरह से कमिटमेंट भी आपको मिलने के चांसेस हैं आने वाले 7 डेज़ में। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखिए, बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। ये फीलिंग्स हैं इनकी आने वाले 7 डेज़ में। देखते हैं आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में आगे, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन मेरे, वाह क्या बात है, क्या बात है, ये देखो आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, स्टेबल कमिटमेंट मिल सकता है, एंड अगेन 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। इट क्लैरिफाइज कि डेफिनेटली आप में से कई लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने वाला है। मजिशियन, मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, अवेयरनेस बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यूनिवर्स। इस समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको इनको चेज बिल्कुल नहीं करना है। आपके लिए 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है विद इन अ मंथ। 3-4-5 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ वन नंबर बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर विद इन अ मंथ, डेफिनेटली विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, विद इन अ डे, विद इन एन आवर, आप में से कई लोगों को डेफिनेटली आपके पर्सन का कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है। कल और परसों की रीडिंग में और कमेंट्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस देखे, थैंक यू मुझे शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मुझे ये भी शेयर किया कि मैम मेरे लिए प्रे करिए क्योंकि आप लोगों को अभी तक कॉल मैसेज नहीं आया है, तो मैं उन लोगों के लिए भी हमेशा प्रे करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। डेफिनेटली आपको होपफुली मैसेज आ जाए, मेरे सभी व्यूअर्स को उनके कम से कम बातचीत होती रहे। कमिटमेंट चलिए आपके डेस्टिनी पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम आपकी बातचीत डेफिनेटली होती रहे, ये मैं हमेशा प्रे करती हूँ। यहाँ पे आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है, विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक आप में से ज़्यादातर लोगों की विश पूरी होगी। विश पूरी होगी शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, यूनिवर्स लगी है आपके साथ, आप सोल जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो यहाँ पर रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि मैसेज करने के बाद थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाए आप लोगों की, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पुराने गड़े मुर्दे मत उखाड़िएगा, पुरानी बातों को भूल जाइएगा। ये भी हो सकता है कि कॉल मैसेज करने के बाद वो आपसे अपने फाइनेंसेस को लेकर कुछ डिस्कस करें, कुछ नया शुरू कर रहे हैं या कुछ नई शुरू कर रही हैं, कोई जॉब शुरू कर रही हैं या कुछ फाइनेंसेस बिगड़ा हुआ है, अपने घर की बातें, अपने परिवार की बातें, अपने डेली रूटीन की बातें, ये सब चीज़ें शेयर करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी है आपकी विश पूरी होगी, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की कमिटमेंट यहाँ पर मिल सकती है, शादी की कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। आपको लेकर फीलिंग्स में भी आया था और यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में भी आया है, तो डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। चलिए ये आना चाह रहा था, इसे ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4 गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ट्रस्ट, सक्सेस, लिसन टू योर इंट्यूशन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी बड़े की इन्वॉल्वमेंट से रिलेशनशिप ठीक हो सकता है या किसी की गाइडेंस से रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, तो ज़रूर गाइडेंस लें। अपने रिलेशनशिप पे, अपने भगवान पर, अपने प्रभु पर भरोसा रखें,
पॉजिटिव सोचें, अपनी इंट्यूशन की सुने। अगर आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि नहीं इस रिलेशनशिप में अभी जान बाकी है तो जान बाकी है, अगर आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है नहीं सब ओवर हो चुका है तो ओवर हो चुका है। अपनी इंट्यूशन की सुन के लाइफ के डिसीजंस लिया करें। यहाँ पर सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, सक्सेस का कार्ड आया है आपके रिलेशनशिप में। बहुत जल्द विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, विद इन एन आवर, विद इन अ डे आपको सक्सेस मिल सकती है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, होप फॉर द बेस्ट। ये थी आज की रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, अगर आने वाले वन मंथ के अंदर, विद इन वन मंथ अगर आपकी ये रीडिंग सच होती है तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। साथ ही साथ अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइड करती हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है इस रीडिंग से, तो ज़रूर वीडियोस को लाइक किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।